आज की खूबसूरत बात यह है कि सबसे अच्छी हिजरत जो है गुनाहों से नेकी की तरफ सफ़र करना है, क्योंकि अल्लाह जानता है आप दुनियादारी और नफ्स से जंग करके यहाँ तक पहुँचे। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहु व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युह अल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आप सबको रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। इबलीस, उसके पास तीन ऐन थे, चौथा ऐन उसको नसीब नहीं था, वरना वो आज भी हमसे बढ़तर होता। एक ऐन था वो आबिद हुआ, दूसरा ऐन था उसे आरिफ बना दिया, तीसरा ऐन इसके पास आजिज़ी का था, चौथा इश्क का ऐन नहीं था इसके पास। अगर इश्क वाला ऐन होता, उसे इश्क होता जो इसे आशिक बना देता, और आशिक महबूब की कोई बात नहीं टालता। सो इश्क वाला ऐन ना होने की वजह से इसने सजदा करने से इनकार कर दिया, और वो बुलंदियों से पस्त से पस्त होता गया। इबलीस से शैतान और शैतान से मर्दूत हो गया। और बाबरकत थे वो ज़ात जिसने रमज़ान मुबारक में इबलीस को बंद कर दिया, यानी शैतान को बंद कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहें, आबाद रहें, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। हमारी दुआ आपके साथ हर। किसी ने क्या खूब कहा है कि हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता, हर गुनाह के पीछे शैतान नहीं होता। यही बताने तो रमज़ान आता है,